हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों बिटवीनस पेमेंट लेयर कोर्स पार्ट 10 के बारे में। इसमें आज देखेंगे दोस्तों जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में क्लॉज 501.8.3 में कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन के बारे में बताया गया है कि जब भी हम जो बिटवीनस पेमेंट लेयर बनाते हैं तो उसमें उसको बनाते समय जो एग्जिस्टिंग ग्रेनुलर सरफेस होता है तो उसको किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है और किस प्रकार से स्केरीफाई किया जाता है और जो उसमें पोर्ट होल्स हो जाते हैं या कि क्रैक्स हो जाते हैं तो उनको किस प्रकार से पैचिंग करना है या सीलिंग करना है, तो इसके बारे में दोस्तों इसमें देखेंगे। तो क्लॉज 501.8.3.1 में प्रिपेयरिंग एग्जिस्टिंग ग्रेनुलर सरफेस के बारे में इसमें बताया गया दोस्तों, और कहा गया कि वेयर द एग्जिस्टिंग सरफेस इज ग्रेनुलर और लूज मटेरियल शैल बी रिमूव्ड एंड द सर्फेस लाइटली वाटर्ड वेयर द प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स टू बी प्रोवाइडेड एज ए सेपरेट लेयर इज ऑल्सो ग्रेनुलर वेयर द प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स ऑफ बिटमिनस मटेरियल इज टू बी लेट ओवर द एग्जिस्टिंग ग्रेनुलर सर्फेस द लेटर सेल आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑल लूज मटेरियल बी प्राइम्ड इन अकॉर्डेंस विथ क्लॉज 502 एंड ए टेक कोड अप्लाइड इन अकॉर्डेंस विथ क्लॉज 503। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जहाँ मौजूदा ग्रेनुलर सरफेस है वहाँ सभी लूज मटेरियल को हटा दिया जाएगा और सतह को हल्के से पानी से क्यूरिंग किया जाएगा और जहाँ एक अलग सेपरेट लेयर के रूप में प्रदान किया जाएगा बनाया जाएगा और वहाँ प्रोफाइल करेक्शन कोर्स भी ग्रेनुलर होगा और जहाँ मौजूदा ग्रेनुलर सरफेस पर बिटुमिनस मटेरियल का प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स रखा जाना है और बाद वाले को सभी लूज मटेरियल को हटाने के बाद क्लॉज 502 और के अनुसार उसमें प्राइम कोड किया जाएगा और क्लॉज 503 के अनुसार उसमें टैग कोड जो है वो लगाया जाएगा, डाला जाएगा वहाँ। तो दोस्तों इसके बारे में इसमें बताया गया। इसके बाद इसमें कहा गया है कि द सर्फेस ऑफ ग्रेनुलर लेयर्स ऑन विच बिटुमिनस वर्क आर टू बी प्लेस्ड शैल बी फ्री फ्रॉम डस्ट, ऑल सच लेयर्स मस्ट बी कैपेबल ऑफ बींग स्वीप्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ एनी नॉन इंटीग्रियल लूज मटेरियल बाई मीन्स ऑफ ए मैकेनिकल ब्रूम विदाउट सीडिंग सिग्निफिकेंट क्वान्टिटीज ऑफ मटेरियल एंड डस्ट रिमूव्ड बाई एयर जेट वॉशिंग आर अदर मीन्स अप्रूवल बाई द इंजीनियर। दोस्तों इसमें कहा गया है कि सभी जो ग्रेनुलर लेयरों की सतह जिस पर बिटुमिनस कार्य किया जाना है वहाँ धूल से उसे मुक्त किया जाएगा, यदि वहाँ डस्ट होगी तो उसको हटाया जाएगा। तो ऐसी सभी लेयर को किसी भी गैर अभिन्न जो लूज मटेरियल को हटाने के बाद वहाँ या तो यांत्रिक मैकेनिकल ब्रूम के माध्यम से या बिना हवा के मतलब एयर जेट या वहाँ जो धूल है या इंजीनियर द्वारा अप्रूव्ड किसी भी माध्यम से उस धूल को हटाया जाएगा और मटेरियल और धूल की महत्वपूर्ण तो वहाँ जो हटाई गई मटेरियल और धूल की महत्वपूर्ण मात्रा को उसको मतलब वहाँ ऐसा किया जाएगा कि वहाँ जो उसके ऊपर जो डस्ट है उस लेयर के ऊपर तो उस डस्ट को रिमूव किया जाएगा ना, और उसमें ये भी देखा जाएगा कि मटेरियल की कोई भी क्वांटिटी जो है वो बाहर ना जाए। तो जो अप्रूव्ड साधन है जो भी अप्रूव्ड मीडियम है तो उसके माध्यम से जैसे मैकेनिकल ब्रूम के माध्यम से वहाँ जो है मौजूदा डस्ट को वहाँ उसके सरफेस से हटाया जाएगा साइड पे। तो दोस्तों इसके बारे में इसमें बताया गया। इसके बाद इसमें कहा गया है कि आफ्टर क्लीनिंग द सरफेस शैल बी करेक्ट टू लाइन एंड लेवल विथ इन द टॉलरेंस स्पेसिफाइड बेस कोर्स। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि सफाई के बाद सतह को बेस कोर्स के लिए जो इसमें निर्देशित टॉलरेंस के भीतर बनाया जाएगा और उसी में लाइन और लेवल के अनुसार उसको करेक्ट किया जाएगा, सही किया जाएगा और उसके अनुरूप जो है उसको बनाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें क्लॉज 501.8.3.2 में स्केरीफाई एग्जिस्टिंग बिटुमिनस सरफेस के बारे में इसमें बताया गया है और कहा गया है कि वेयर स्पेसिफाइड आर शोन ऑन द ड्राइंग्स द एग्जिस्टिंग बिटमिनस लेयर इन द स्पेसिफाइड बिर्थ शैल बी रिमूव्ड विथ केयर एंड विदाउट केसिंग अनड्यू डिस्टर्बेंस टू द अंडरलेइंग लेयर बाई ए सुटेबल मेथड अप्रूव्ड बाई द इंजीनियर आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑल लूज एंड डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल द अंडरलेइंग लेयर्स विच माइट हैव बीन डिस्टर्ब्ड शैल बी सुटेबली रिवर्कड supplementing the base material as necessary with suitable fresh stone aggregates and compacted to line and level the
कॉम्पैक्टेड फिनिश्ड सरफेस शैल बी प्राइम्ड इन अकॉर्डेंस विथ क्लॉज 502 और रीयूजेबल मटेरियल शैल बी सैक्ड एज डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर विथ ऑल लीड्स एंड लिफ्ट्स। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जहाँ निर्देशित किया गया है कि यह ड्राइंग्स पर दिखाया गया कि जो निर्देशित चौड़ाई है तो मौजूदा बिटमिनस परत को इंजीनियर द्वारा अप्रूवल एक उपयुक्त विधि द्वारा उसे सावधानी पूर्वक और एक अंतर्निहित परत के अनुरूप मतलब अंडरलेइंग लेयर में अनुचित जो गड़बड़ी पैदा किए जाने वाले के उसको जो अंडरलेइंग लेयर है उसको बिना गड़बड़ किए उसे हटाया जाएगा और उसमें जो लूज मटेरियल है वो या बिखरा हुआ मटेरियल है तो उसको हटाने के बाद उसमें जो अंडरलेइंग लेयर है को शायद परेशान किया गया है तो उसको उपयुक्त मतलब जो अंडरलेइंग लेयर है यदि उसको वो डिस्टर्ब होती है तो उसको फ्रेश मटेरियल से या स्टोन या कोर से ग्रेड के से उस बेस को मटेरियल बेस मटेरियल के अनुरूप जो है उपयुक्त सुटेबल मटेरियल से उसको सुटेबल तरीके से उपयुक्त रूप से उसको कार्य को कंप्लीट किया जाएगा और लाइन और लेवल पर उसको बनाया जाएगा और उसको कॉम्पैक्ट किया जाएगा और कॉम्पैक्ट करने पर जो कॉम्पैक्टेड तैयार सतह को क्लॉज 502 के अनुसार उसमें प्राइम कोट डाला जाएगा और प्राइम कोट डालने के बाद पुनः प्रयोज मटेरियल मतलब जो रीयूजिबल मटेरियल्स है तो उसको लीड और लिप्टो के साथ इंजीनियर द्वारा अप्रूव्ड होने के बाद उसको उपयोग जो है वो किया जाएगा। तो इसके बारे में इसमें बताया जा रहा है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि जो रीयूजिबल मटेरियल्स है उसको सभी लीड और लिप्टो के अनुसार साथ इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया जाएगा। तो जैसा इंजीनियर निर्देशित करेंगे उसके अनुरूप जो है उसको साइट पे यूज किया जाएगा। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स बताई गई। इसके बाद इसमें क्लॉज 501.8.3.3 में दोस्तों पेचिंग ऑफ पॉट होल्स एंड सीडिंग ऑफ क्रैक्स के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि वी आर द एग्जिस्टिंग सरफेस टू बी ओवरलेड इज बिटमिनस एनी एग्जिस्टिंग पॉट होल्स एंड क्रैक्स शैल बी प्रिपेयर्ड एंड सील्ड इन अकॉर्डेंस विथ क्लॉज 3004.2 एंड 3004.3 और एज डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जहाँ मौजूदा सतह को हटाया जाना है एग्जिस्टिंग सरफेस को ओवरलेड किया जाना है वह बिटमिनस से तो किसी भी मौजूदा गड्ढों को या दरारों की मरम्मत की जाएगी और उन्हें क्लॉज 3004.2 और 3004.3 के अनुसार इंजीनियर द्वारा निर्देशित के अनुसार उसको सील किया जाएगा उसको पैचिंग किया जाएगा और जो उसमें क्रैक्स हैं उनको सील किया जाएगा उनको भरा जाएगा और वहाँ जो सरफेस उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर किया जाएगा दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स बताया गया कि किस प्रकार से हमको कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन करना है पेमेंट लेयर जो हम बनाएंगे बिटमिनस पेमेंट लेयर बनाने के लिए तो उसके पहले जो हमको कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन करना है तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स बताई गई है दोस्तों।